गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट, वी हैव स्टार्टेड चैप्टर सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इन दिस वी हैव डिस्कस्ड पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट इवेंट, दिस इज द पॉलिनेशन। What is pollination? As you have learned in your previous classes, pollination is a process of transfer of pollen grain from anther to stigma of the pistil is called pollination. Okay? So the pollination, the process of transfer of pollen grain from anther to the stigma of the pistil is called pollination. Pollination are of two type, self-pollination and cross-pollination. Self-pollination and cross-pollination. Okay, self-pollination, if the transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower, transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower, यानी एक फ्लावर है, उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स क्या हो रही है, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो रही है, दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर of the same plant, or we can say that the on the on different flower of the different plant. Okay, different flower of the same plant or different plant. This is known as cross pollination. यानी एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहे हैं, दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। टू फ्लावर्स के अंदर एक ही प्लांट के टू फ्लावर्स में हो रहे हैं, तब भी हम उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। टू डिफरेंट प्लांट के टू डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ये तो आपने क्या छोटी क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में लर्न किया यहां तक, तो ना कि पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दिस आर ऑफ टू टाइप, सेल्फ एंड क्रॉस। इफ द पॉलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। इफ द पॉलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नाउ इन योर 12th क्लास, ओके, there are different kinds of pollination. Now we discuss the different kinds of pollination. Yes, kinds of pollination, depending on the source of pollen, pollination can be divided into three types. Okay, depending on the source of pollen, pollination can be divided into three types. Number one, autogamy. Number two, gymnogamy. And number three, gynogamy. Okay, autogamy,
ऑटोगैमी दिस इज द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. ओके वी कैन से दैट दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन. दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. दिस इज कॉल्ड ऑटोगैमी. ओके पॉलन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. दिस इज कॉल्ड ऑटोगैमी. यानी दिस इज द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इज इन्वॉल्व्ड. क्लियर. फॉर ऑटोगैमी द एंथर्स एंड स्टिग्मा शुड लाइक क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन ऑकर. है ना सेल्फ पॉलिनेशन. ऑटोगैमी के लिए क्या होना चाहिए? पॉलन्स जो है, एंथर जो है और जो स्टिग्मा है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए? पास होने चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो सके, वहां हो सके. ओके सो देयर आर टू अडेप्टेशन इन प्लांट्स दैट फ्लावर्स दैट फेवर द सेल्फ पॉलिनेशन. ओके यहां पर फिर क्या है, उन प्लांट्स ने क्या किया ऑटोगैमी के लिए? उन्होंने क्या किया, प्लांट्स ने अपने आप में कुछ अडेप्टेशन की, उनके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स डेवलप हुए. ओके सम प्लांट्स सच एज वायोला. ओके ऑक्सेलिस कोमेलिना प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. दिस प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. कौन कौन से? चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस. ओके फॉर द ऑटोगैमी सम प्लांट्स सच एज वायोला ऑक्सेलिस कैमेलिना प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, चेस्मोगेमस फ्लावर्स एंड द क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स. अब ये चेस्मोगेमस फ्लावर्स क्या है? चेस्मोगेमस फ्लावर्स एक्सपोज मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा टू द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. दे एक्सपोज देयर एंथर एंड स्टिग्मा. मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा. एक्सपोज मीन्स नेक्ड अनकवर्ड. इनके जो स्टिग्मा और एंथर है वो अनकवर्ड है, नेक्ड है, विदाउट कवरिंग है, एक्सपोज है. ओके दीज फ्लावर्स एक्सपोज मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा टू द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. व्हाट इज पॉलिनेटिंग एजेंट्स? द एजेंट्स दैट हेल्प इन पॉलिनेशन. ओके अबाउट दिस वी विल डिस्कस लेटर. ओके यस. ओके सो चेस्मोगेमस फ्लावर्स एक्सपोज मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा टू द पॉलिनेटिंग एजेंट्स एंड द क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स रिमेन क्लोज, डू नॉट ओपन एट ऑल. दीज फ्लावर्स remain close, do not open, at all. In such flowers the anther and stigma lies close to each other and there is no chance of close pollen landing on the stigma. अब ये देखो जब इसे फ्लावर्स क्या है बिल्कुल क्लोज रहता है, वो ओपन ही नहीं होता, तो उसके जो स्टिग्मा और एंथर है वो हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं, बिल्कुल पास रहते हैं और उसके ऊपर क्लोज पॉलिनेशन के कोई चांसेस नहीं है. ठीक है दूसरे पॉलन्स उसके उनके ऊपर लैंड नहीं हो सकते क्योंकि वो हमेशा क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं. इसके अंदर क्या है, वो एक्सपोज है. अब उनके पॉलन और
ये एंथेरोस्टिग्मा के एक्सपोज है, नेट है, सो दैट के सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस इजिली. ओके, सो दैट द ऑटोगैमी टेक प्लेस इजिली. क्लियर? यस. नेक्स्ट इज जिटनोगैमी. ओके, व्हाट इज जिटनोगैमी? This is the type of cross pollination. Okay, this is the type of self pollination. This is the type of cross pollination. Or we can say that the cross pollination is involved in this transfer of pollen grain from anther to the stigma of the another flower of the same plant. Okay, in this pollen grains transfer from anther to the stigma of the another flower of the same plant. ठीक है, ऑटोगैमी तो क्या है, एक प्लांट है उसका एक फ्लावर है, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहे हैं. जेनिटोगैमी क्या, एक प्लांट के ऊपर एक ही फ्लावर था, वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, तो टू डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर, जब एक ही प्लांट के टू डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, जिटनोगैमी. ओके, दिस इज द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, इट इज दैट मीन्स इन दिस द फ्लावर्स genetically similar. Okay, that means this pollination take place in genetically similar flowers. Okay, it is take place in, क्योंकि same plant है तो उनके जो मतलब उनका जो genetic feature है वो क्या होगा, two flowers का genetically वो दोनों flowers क्या होंगे, same होंगे. In genetically सिमिलर फ्लावर्स. क्लियर? नेक्स्ट इज जीनोगैमी. इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. जीनोगैमी इज ऑल्सो द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट. अब टू डिफरेंट प्लांट के टू डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है, दिस इज नोन एज जीनोगैमी. क्लियर? जीनोगैमी क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट. ओके, यस, द फ्लावर्स आर, यानी ये जो फ्लावर्स अब टू डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स हैं, सो दीज फ्लावर्स आर जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली डिफरेंट. उसमें तो क्या था, एक ही प्लांट के टू फ्लावर्स थे, है ना, तो वो जेनेटिकली क्या थे, सिमिलर थे. लेकिन अब ये टू डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स हैं, सो द फ्लावर्स आर Flowers are genetically and ecologically different. Clear? So this is about pollination. Okay? Pollination is the process of transfer of pollen grain from anther to the stigma of the pistil is called pollination. There are three kinds of pollination on the basis of depending on the source of pollen: autogamy, jitnogamy, and genogamy. Autogamy
involves self pollination, that means transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower. In this, pollens land on the stigma of the same flower. Okay, gymnogamy. In this, pollen grains transfer from anther to the stigma of the different flower of the same kind, same plant, different flower of the same plant, and these flowers are genetically similar. Gynogamy, it involves cross pollination. Pollen grains transfer from anther to the stigma of the another flower of the different plant. So these flowers are genetically and ecologically different. Clear? I hope you understand this topic, pollination. So agent of pollination we will discuss in our next video. Till that time, watch video carefully, read chapter from book. Thank you students, have a nice day.